मुंब्रा शील में पहली बार आरके इंटरप्राइजेस आपके लिए लाया है टुडे ब्रांड 100% नेचुरल ऑयल, प्योर एंड हेल्दी, जो कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन में तैयार किया जाता है। इसके अलावा ओरिजिनल मसाले, फ्रेश आटा, मल्टीग्रेन आटा, सब कुछ नेचुरल अफोर्डेबल प्राइस के साथ कस्टमर की डिमांड पर आंखों के सामने मशीन से निकाल कर दिया जाता है। आपका अपना टुडे ब्रांड, असली खाएं, सेहतमंद रहें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी के खिलाफ कलवा मुंब्रा विधानसभा के आमदार जितेंद्र अवार्ड ने मोर्चा खोल दिया है। राज्यपाल चले जाओ के नारों के साथ विधायक जितेंद्र अवार्ड और एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता राजभवन के तरफ चल पड़े थे। सैकड़ों की तादाद में एनसीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए और ठाणे से मुंबई राजभवन के लिए ये लोग रवाना हो रहे थे। वहां पहुंचकर ये प्रदर्शन करते, लेकिन बसों में सवार होकर एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता रवाना तो हुए, लेकिन मुंबई के सीमा में प्रवेश करने से पहले ही ठाणे पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। राज्यपाल कोशियारी ने एक विवादित बयान दिया था और राज्यपाल के खिलाफ अब जितेंद्र अवार्ड ने प्रदर्शन किया है, यानी कि जितेंद्र अवार्ड राज्यपाल के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया है और ठाणे से मुंबई राजभवन पहुंचकर ये प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन ठाणे पुलिस ने इन सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। महाराष्ट्र का अपमान, मी नाही, महाराष्ट्राची माती ज्याच्या माती लागली आहे तो कोणीही सहन करणार नाही। सर, या अगोदर देखील त्यांनी विधानं केली होती, सावित्रीबाई फुले असतील महाराष्ट्राचा मोठा, खरं तर तेव्हाच त्यांना हकलण्याची वेळ आली होती, पण आता अति झालं। आता मराठी माणूस भिकारी आहे असं त्यांना वाटत असेल, तर मराठी माणूस भिकारी नाही। या मातेंनी अनेकांना श्रीमंत केलं आहे, म्हण मराठी माणूस संस्कृतीने संस्काराने श्रीमंत आहे, गर्भश्रीमंत आहे, त्याच्यामुळे ही वाक्य सहन होणार नाही। मातीमध्ये हा पूजा भाव आणि भेट म्हटला जातो कुठेतरी बोलून मराठी आणि याच्यामध्ये वाद लावण्याचं काम करतो काय? अरे काय जातीपातीमध्ये जातीपातीचं इथं राजकारण सुरू झालंय का? राज्यपाल देखील अशा भाषेत बोलतात, राज्यपाल समाजामध्ये दुही माजवण्याचं काम करत आहेत। इथे कधीच गुजराती, मारवाडी, मराठी हा वाद नव्हता, या मातीने सगळ्यांना स्वीकारलेला आहे। ही माती दुजा भाव शिकवतच नाही, अशी ह्या मातीची ओळख असताना मराठी माणूस गुजराती आणि राजस्थानी निघून गेले तर भिका मागेल, अशा प्रकारचं त्यांचं वाक्य आहे। त्यांना हे माहीत नाही की मुंबईमध्ये एक शेठ होते, त्यांचं नाव होतं नानाशंकर शेठ। इंग्रजांना त्या काळात जेव्हा पैशाची निकड भासायची व्यापारासाठी, तेव्हा हा मराठी माणूस पैसा देत असेल, पैशाचं नाविन्य आम्हाला शिकवू नका। संजय